हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूँ गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। दोस्तों, आज मैं अपने टेरेस गार्डन का आपको ओवरव्यू दूंगा। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि मेरे टेरेस गार्डन पे कौन कौन से प्लांट हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरी तोरी की बेल है जो मैंने इसको जुलाई में लगाया था। और देखिए, अब इस पर हमने कई बार सब्जी भी हार्वेस्ट कर ली है। ये करेले की बेल भी यहीं इसी के साथ है और अभी भी इस पर काफ़ी सब्जियां लग रही हैं, देख सकते हैं आप। तो अपने घर की ऑर्गेनिक चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा चंपा का प्लांट है, ये देखिए बहुत ही घना हो गया है ये चंपा का प्लांट। इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, इसको पिछले साल फ्लावरिंग हुई थी। और ये हमारे गुड़हल का प्लांट है, इसके जो फ्लावर हैं वो गुलाब की तरह आते हैं। देखिए, जैसे गुलाब हो ऐसा बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आता है। और ये हमारा फाइकस का प्लांट है, इसके देखिए ये बोनसाई की शक्ल ले रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। दोस्तों, ये देखिए मित्र कीट हैं यहाँ पे, ये मित्र कीट है, ये हमारे गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके गार्डन में ये कीट दिखे तो बहुत ही अच्छा है ये। दोस्तों, ये हमारे है कनेर का प्लांट, जो मैं ये इसी साल लेकर आया था, ये मैं 50 रुपीज़ का, और ये मैंने 10 इंची के प्लास्टिक के पोट में लगा रखा है। तो बहुत ही ये खूबसूरत प्लांट है। और इधर देखिए, इधर कुछ प्लांट हमने रख रखे हैं। ये देखिए, ये हमारा जो टेरेस गार्डन है, हमारे घर के पीछे खेत हैं। दोस्तों, ये कुछ गमले हैं जो खाली रखे हुए हैं, इसमें हम सर्दी वाले प्लांट लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारा ये गुड़हल का प्लांट ये है, ये एक दूसरी वेराइटी है, इसमें देख सकते हैं इसमें फ्लावर कुछ इस तरह का आता है, काफ़ी खूबसूरत फ्लावर आता है। ये देखिए, बहुत सी कलियां इस पे आई हुई हैं, इस पे भर भर के फ्लावरिंग होती है। और ये हमारे है एक गुलाब का प्लांट है, पिछले साल का है, ये है देसी गुलाब का है। अब मेरा प्लान है कि इस साल मैं इंग्लिश गुलाब भी लेकर आऊं, पर जो देसी गुलाब होते हैं इनमें हमको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। ये हमारा सदाबहार है, वाइट कलर का। ये दोस्तों, ये सीड से खुद ही तैयार हो गया है प्लांट, मैंने इसे लगाया नहीं है, ये खुद ही इस गमले में सीड इसके गिर गए और ये तैयार हो गया। ये देखिए, ये हमारे करेले की बेल है जो देखिए ऊपर जा रही है। तो दोस्तों, अपने छत पे, हरी भरी छत पे बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कलर के हम प्लांट लगाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए फाइकस है, इसकी दोस्तों मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसकी टहनी एक काट के मैंने इसमें लगा दी, तो ये लग गई। यानी कि फाइकस को हम ऐसे भी लगा सकते हैं कटिंग। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे सदाबहार का एक ये कलर है, ये भी अपने आप ही तैयार हुआ है। दोस्तों, ये मैं, मेरे पास कुछ प्लांट थे उनके सीड गिर गए हैं, तो उन्हीं से ये दोस्तों ये तैयार हो गया था। दोस्तों, इधर देखिए, इधर ये पुदीना लगा हुआ है, ये पुदीना मैंने लगाया था कटिंग से, तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया। तो दोस्तों, मैं ज़रूर एक इस पे वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग पुदीना घर में कैसे लगा सकते हैं। बहुत लोग पुदीना लगाते पर वो चलता नहीं है, तो उस पे भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही घना पुदीना हो गया, अगर इसके ऊपर हम हाथ भी फेरते तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छे से पुदीना चल रहा है हमारा। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारे बोगनविलिया का प्लांट है जिसपे दो कलर के फ्लावरिंग होती है, एक वाइट एक गुलाबी, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है। ये दोस्तों मैं इसी साल लेकर आया था, इसमें से एक प्लांट अभी दिखाऊंगा, वो मैं पिछले साल लेकर आया था, पिछले साल क्या 2 साल हो गए उस प्लांट को।
तो वो भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों इसके देखिए जो लीव हैं ये दो कलर में आते हैं, इधर देखिए। तो ये देखिए इसी प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ये भी खूबसूरत प्लांट है जिसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं। तो ये हमारे जो टेरेस गार्डन पे है बहुत ही जब फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, टेरेस गार्डन पे रखा हुआ। तो इसके जो फ्लावर है बहुत गुच्छे में आते हैं भर भर के। तो ये देखिए पूरी टहनी जो इसके हैं पूरे भरे हुए हैं फ्लावरिंग से, इधर दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक हमारा ये प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत ग्रीन सा प्लांट है। इसके जो हैं देखिए बल्ब होते हैं। तो ये भी हमारे बहुत अच्छा प्लांट चल रहा है, इसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है कि क्या नाम है इसका। ये देखिए सदाबहार एक हमने यहाँ लगा रखा है, ये भी बहुत ही अच्छे से सदाबहार चल रहा है हमारा। और इधर देखिए प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है। और इधर कुछ प्लांट दिखा दे रहे हैं आपको, ये सम्मी का प्लांट लगा हुआ है, और इधर फाइकस उस तरफ हमने लगा रखा है। ये अभी हमने इस पन्नी में लगा हुआ है जब से नर्सरी से इसको लाए हम, ये हमारा प्लांट फाइकस का खुद ही एयर लेयरिंग से तैयार किया है। और इधर दिखाते हैं ये है हमारे मोगरे का प्लांट है, इस पर फ्लावरिंग हो चुकी है। जब इस पर फ्लावरिंग हुई थी तो बहुत ही ये छत को खुशबू से भर देता है, इसकी हवा जिधर चलती है उस तरफ पूरे खुशबू ही खुशबू हो जाती है। मोगरे का प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, इसके बड़े पत्ते हैं, इसके फ्लावर भी काफ़ी बड़े साइज के ही आता है, तो आप भी ये लगाएं। इधर देखिए ये हमारे एक गुड़हल का प्लांट है, इसमें बंच में आते हैं फ्लावर गुच्छों में। ये देखिए ऐसे इस कलर का जो फ्लावर है, और ये देखिए गुच्छों में इसमें लगे हुए हैं बड। तो इधर है हमारे तुलसी का प्लांट है, ये तुलसी का प्लांट हमारे पास एक मदर प्लांट था, उसी के सीड से ये खुद ही तुलसी का प्लांट तैयार हो गया है, और काफ़ी घना प्लांट हो गया। इसको मैंने पिंच ऊपर से कर दिया था तो बहुत ही घना हो गया, पिंचिंग से हर प्लांट घना हो जाता, तो आप जितनी पौधे की पिंचिंग करेंगे उतनी घना होगा। इधर देखिए ये हमारे है गेंदे का प्लांट है, ये मैं नर्सरी से लेकर आया था, छोटा सा प्लांट लेकर आया था 10 रुपए का, तो ये इतना बड़ा हो गया है, इसका फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। और ये गमले में इसमें लगा रखे हैं हमने। और ये देखिए ये है ग्लोई, ये हर्बल प्लांट है, ये बहुत ही काम का प्लांट है, ये आप ज़रूर लगाइए, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये प्लांट है। ये हमने देखिए यहाँ लगा रखा है ये जो, और ये देखिए ये है जेट प्लांट, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप जैसे लगाएं वैसे ये लग जाता है। और ये देखिए ये हमने इसमें क्लोई लगा रखी थी, तो ये एक टाइम के बाद ये इसकी जड़ें नीचे चली गई, आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आपको दिखे अंधेरा हो रहा है, वाइट वाइट सी जो आपको देखिए हो सके आपको दिख रही हो, तो ये वाइट वाइट सी जो जड़ है वो इसके नीचे चली गई है, तभी ये इतना बड़ा प्लांट हमारा हो गया है। ये देखिए ये काफ़ी ऊपर प्लांट चला गया है। तो दोस्तों अपने ऐसे ही अपने हम कम जगह में भी अपना जो हमको पौधे लगाने हैं फ्लावरिंग वाले या चाहे हर्बल प्लांट, तो हम अब उनका शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो आप भी लगाइए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। कुछ प्लांट हमारे ये है देखिए, एमरेलस लिली का ये प्लांट है, ये मैं बल्ब लेकर आया था, इसके लगाए मैंने,
इसकी भी अभी तक कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है, अगर फ्लावरिंग होगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा। तो ये देखिए, इधर हमारे एक ये लगा हुआ है सदाबहार का प्लांट। तो दोस्तों यही बस हमारी टेरेस गार्डन की कुछ प्लांट है और कुछ प्लांट नीचे रखे हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्लांट इंडोर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और वीडियो मिल पाए।